हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान अली, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे कि हमने कैंसिल बिट को सेट कर दिया है, मतलब फिट कर दिया दीवार पर, और सिंपल वायर भी घिस दिए हैं, सिंपल वायरिंग भी कनेक्शन कर दिया है, और बोर्ड का कनेक्शन भी कर दिए हैं, मेन बोर्ड, 12 मोटर बोर्ड, 6 मोटर बोर्ड, और मैंने सारे कनेक्शन कर मैंने सेट कर दिया है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे जो फटी ठोकने का, वायरिंग करने का और बोर्ड का कनेक्शन करने का, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और या आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, अब वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जब तक आप सोच नहीं दिखेगा वीडियो, तब तक आपको ये लास्ट वाला समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम कहते हैं आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन लिंक मिल जाएगा, अब जाकर वहाँ से बढ़िया से देखें, पर लास्ट का वीडियो देखें। और अब बारी है लाइन ऑन करने का, लाइन चालू करने का। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लाइन चालू कर दिखाएंगे जो हमने मेहनत की है, जो हमने उसमें दिमाग खटा है, क्या वो सही हुआ कि नहीं, वो मेरा लाइन सक्सेस हुआ कि नहीं, लाइन चालू हुआ कि नहीं होगा, आज मैं आपको बता कर दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट शेयर करना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग का जो है, हमने मेहनत की है, वो सफल हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, लाइन को चालू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने लाइन चालू कर दी है और ये जो मिनिमम स्विच को टिप करेंगे तो जो मेरा जलेगा वो अभी इन्वर्टर से चल रहा है, ठीक है, और इसको उठाएंगे तो ये मेरा बॉल चलेगा और पक्का चलेगा। तो देखिए, जो मेरा ये लाइट जल रहा है और ये मेरा पावर प्लग भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और मेरा ये बोर्ड देख लीजिए, ये भी काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, इधर से बूटा इस स्विच से ऑन करेंगे तो वो चलेगा, इसमें भी बॉल नहीं लगा है, और ये देखिए बाहर का, और देख सकते हैं आप, बस जो बोर्ड है काम कर रहा है, वो भी इन्वर्टर से इसलिए चल रहा है, लाइन हमने काटी है लेकिन फिर भी बॉल चल रहा है। मैं आपको इन्वर्टर के कनेक्शन बाद में ट्राई करके बताऊँगा। आप चलिए मेन बोर्ड के पास, और ये मेरा जो मेन बोर्ड है आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे हम लाइन काटेंगे तो देखिए अभी सप्लाई ग्रीन चल रहा है, ठीक है, मतलब घर में सप्लाई, जैसे हम एमसीबी का ऑफ करेंगे तो मेरा सप्लाई वाला बढ़ जाएगा, जो है वो ऑफ हो जाएगा। देखिए, जो मेरा सप्लाई घर का नजर है इसलिए ये ऑफ हो गया, ये जनरेटर का है, हमने जनरेटर कनेक्शन छोड़ दिया, और ये मेन है, ये हम चेंजर को चेंज करेंगे तभी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसको हम फ्यूज निकालेंगे तब इसका जो कनेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा। देखिए, इसको हम फ्यूज निकाल रहे अभी, तो देखिए फ्यूज निकाल दिए, फ्यूज हमने निकाल दे तो मेरा कनेक्शन देखिए आप देख सकते हैं, जैसे फिल्टर कर रहा है तैसे ही मेरा ये लाइट ऑफ ऑन हो रहा है, जो मेरा मेन लाइन है, इसका मतलब मेन लाइन आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ। और जो ये हम जैसे इसको एमसीबी ऑन करेंगे तो मेरा ये ग्रीन वाटर चलेगा और मेरे घर का सप्लाई आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर बार वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अगर वीडियो फिर मिलते तब के लिए कुछ अब तक के लिए, तब के लिए बाय। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप अभी तो मेरे चैनल पर मेंबर नहीं बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा मेंबर बन जाइए और मेरे चैनल का एक सदस्य बन जाइए। तो फ्रेंड्स, आखिर हमने लाइन चालू कर दिखा ही दिया जो मेरा है वर्क, पूरा लाइट वर्क कर रहा है, बोर्ड भी वर्क कर रहा है, मेन बोर्ड भी वर्क कर रहा है, और हमने जो इन्वर्टर का कनेक्शन किया है वो भी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सिंपल वायरिंग समझ गया होगा और आपको ये वीडियो समझ गया होगा और आपको कुछ वीडियो में कुछ नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलें। तो अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।